समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब ईमानदार लोग इन संवैधानिक संस्थाओं के अंदर बैठना शुरू करें, और ईमानदार लोगों को बिठाने के लिए कम से कम उस चश्मे को उतारना पड़ेगा जो चश्मा वोट बैंक की राजनीति के आधार के ऊपर, आप प्रलोभन के आधार पे, आप एक दूसरे की सहायता के आधार के ऊपर जो जिम्मेदारी देने का काम आप कर रहे हो। बाबूलाल कटारा को पहले कौन नहीं जानता था, कांग्रेस के किस नेता के संपर्क में वो था और किस नेता ने सिफारिश करके उसको आरपीएससी का सदस्य बनाया? क्या सरकार को उनकी आपस में रिश्तों की जांच करने का अधिकार नहीं है? क्यों नहीं सरकार उनके रिश्तों की जांच करी? और सभापति महोदय, क्या माँ सरस्वती एक ही रात कोई नाइट स्टे किया था जालौर जिले के अंदर? उन तमाम परीक्षार्थियों की बुद्धि के अंदर माँ सरस्वती बैठ गई? एक ही जिले के अंदर 250 एसआईओं का सिलेक्शन हो जाए, एक ही विधानसभा से 100 से अधिक सब इंस्पेक्टर बन जाए? क्या सरकार के पास ये प्रावधान नहीं है कि उनकी दोबारा परीक्षा ली जाए या उस भर्ती को निरस्त किया जाए? उन बेचारे विद्यार्थियों का क्या दोष है जिन्होंने ईमानदारी के साथ परीक्षा दी? लेकिन आज भी एक टीवी के अंदर मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखा था, एक सब इंस्पेक्टर के अंदर भर्ती हुई महिला पर लड़की से पूछा कि भारत का राष्ट्रपति कौन है? कहा मुझे तो पता नहीं। अरे तो मेरी काकी फिर कुंडा पत्तों ने, तू सब इंस्पेक्टर बन गई, तने पत्तों ने फिर कुंडा पत्तों से? ऐसे ऐसे लोगों का सब इंस्पेक्टर के अंदर सिलेक्शन जिनको भारत के राष्ट्रपति का पता नहीं। मंत्री महोदय, आप ईमानदार मंत्री हो, अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए इस बिल के पारित होते सबसे पहले उस परीक्षा को निरस्त करना जहां एक ही जिले के अंदर, एक ही तहसील के अंदर इतने सब इंस्पेक्टरों की भर्ती हो जाए, एक ही स्टेनो की भर्ती के अंदर कुल पोस्टें 90, एक ही सेंटर से 60 का सिलेक्शन, ये कैसे हो सकता है? सभापति महोदय, कुल पोस्टें 90, एक ही सेंटर से 60 का सिलेक्शन। सभापति महोदय, आपसे मेरा निवेदन इतना ही है, इस सिस्टम के अंदर जो जितना भी, सभापति महोदय जिन शब्दों को मैं काम में लेना चाहता लेना नहीं चाहता, लेकिन ये सिस्टम पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। लोगों का विश्वास उठ गया तभी तो नक्सलवाद पैदा होता है, लोगों का विश्वास उठ जाता है तभी तो अराजकता पैदा होती है, लोगों का विश्वास सिस्टम से उठ जाता है तभी तो लोग सड़कों के ऊपर आते हैं, और जब लोग सड़कों के ऊपर आ गए, लोग आपके सिस्टम के खिलाफ उतर गए, तो फिर बचाने वाला कौन है? इसलिए मेरा निवेदन है कि राजस्थान शांत प्रदेश है, इन युवाओं के अंदर आक्रोश जो बढ़ता हुआ जा रहा है उस आक्रोश को थामने का एक ही विश्वास, एक ही तरीका है कि उन लोगों के अंदर विश्वास पैदा करने की आवश्यकता है। आज राजस्थान के अंदर जैसे मंत्री महोदय ने खुद ने स्वीकार किया 8 परीक्षाएं निरस्त हुई है, तो इन 8 परीक्षाओं के निरस्त होने के पीछे कारण क्या है? 19 मुकदमे दर्ज हुए हैं, आखिरकार 19 मुकदमे दर्ज हो गए, आगे मुकदमे दर्ज नहीं होंगे, आगे परीक्षाएं के अंदर धांधली नहीं होगी, इस बात की क्या गारंटी है?